क्रूर मंगोल शासक चंगेज खां दुनिया जीतने निकला तो उसके साथ उसका एक शानदार घोड़ा था। इतिहास में चंगेज खान को एक क्रूर लुटेरा और शासक माना जाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध में गुजार दी। 12वीं सदी में इस मंगोल शासक का मध्य एशिया में आतंक चरम पर था। वह और उसकी सेना घोड़े पर बैठकर ही अपना आतंक कायम करने के लिए निकल पड़ते थे। कहा जाता है कि मंगोल लड़ाके सैकड़ों मील घोड़े के सहारे ही चलते चलते चले जाते थे, यानी मंगोल सैनिकों की जीत में उनके घोड़े ही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाते थे। सिंधु नदी तक चंगेज खां की फौज घोड़े पर ही चढ़कर पहुंच गई थी। इसी नस्ल का एक घोड़ा, सफेद घोड़ा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिला है। ये घोड़ा उन्हें क्यों और कैसे मिला है, इसे जानने के लिए आपको आखिर तक यह वीडियो जरूर देखना होगा। दरअसल पूर्वी एशियाई देशों के साथ सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 से 7 सितंबर तक मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा पर थे। यह मंगोलिया की किसी भारतीय रक्षा मंत्री की अब तक की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख ने भारत को एक राजसी घोड़ा गिफ्ट में दिया है। इस गिफ्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने लिखा, मंगोलिया में हमारे खास दोस्तों की ओर से एक खास तोहफा। इस शानदार खूबसूरती का नाम मैंने तेजस रखा है। धन्यवाद राष्ट्रपति खुरेल सुख, धन्यवाद मंगोलिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंगेज खां और उसकी मंगोल सेना जिस घोड़े पर चढ़ते थे उसे मोरी भी कहते हैं। यह मंगोलिया की मूल घोड़े की नस्ल है। अब तक इसकी ब्रीड में कोई बदलाव नहीं आया है। उसी नस्ल का घोड़ा अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास पहुंचा है जिसका नाम उन्होंने तेजस रख दिया है। दरअसल घोड़ा और मंगोलिया एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। मंगोलिया का नाम वहां की खास नस्ल के घोड़ों के लिए विशेष तौर पर चर्चा में रहता है। यहां लोगों को घोड़े रखने और उसे पालने का खूब शौक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगोलिया में 30 लाख से अधिक घोड़े हैं, जबकि 2020 तक यहां की आबादी करीब 35 लाख थी। चंगेज खान जिस नस्ल के घोड़े का इस्तेमाल करता था, ये घोड़े इतने ताकतवर होते हैं कि यदि उन्हें पूरे साल घुमाया जाए तब भी वे थकते नहीं हैं। कहा तो ये भी जाता है कि वे एक दिन में एक सवार को लेकर 65 से 80 किलोमीटर तक चल सकते हैं और 30 किलोमीटर तक तो एक सवार को लेकर बिना अपनी रफ्तार को धीमी किए वे सटपट दौड़ भी सकते हैं। भीषण गर्मी हो या हाड़ कपाने वाली सर्दी, ये हर मौसम में बाहर ही चढ़ते हैं। मंगोलिया को घोड़े की भूमि के रूप में जाना जाता है और यहाँ के घोड़े को बेहतरीन, दुनिया का बेहतरीन घोड़े होने की प्रतिष्ठा भी हासिल है। कहा जाता है कि घोड़ों के बिना मंगोलियाई इतिहास की कल्पना करना संभव नहीं है। इसी तरह बिना घोड़ों के भी मंगोलिया के भविष्य को भी कुछ लोग देखते हैं, मानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। इन घोड़ों का इस्तेमाल खेती में, रोजमर्रा के कामकाज में और घुड़दौड़ में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में जब कोई विदेशी मेहमान मंगोलिया जाते हैं तो मंगोल अपनी सबसे खास और अपनी सबसे प्यारी चीज उन्हें गिफ्ट जरूर करते हैं। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां गए तो उन्हें भी बतौर गिफ्ट यह घोड़ा मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2015 में मंगोलिया के दौरे पर थे तो वहां के समकक्ष नेता ने भी उन्हें भूरे रंग का एक घोड़ा गिफ्ट किया था। यही नहीं, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी 1958 में मंगोलियाई घोड़ा गिफ्ट में मिला था। मंगोलिया के तत्कालीन प्रमुख ने नेहरू को 3 मंगोल खूबसूरत घोड़े उपहार में दिए थे। गिफ्ट के तौर पर मंगोलियन घोड़े को दिए जाने को लेकर एक कहानी वहां बहुत ही सुनाई जाती है, बहुत प्रचलित है। 1961 में मंगोलिया ने कुछ घोड़े उपहार स्वरूप एक ट्रेन में लादकर वियतनाम भेज दिया। घोड़ों में शानदार दिखने वाले एक भूरे रंग का घोड़ा था और एक गहरे भूरे रंग का। दोनों घोड़े, जो घोड़े की देखभाल करने वाला जो वहां सैनिक था उसके साथ बड़ा ही खराब व्यवहार कर रहे थे और वे अपनी नाराजगी जता रहे थे। जब वे घोड़े वियतनाम पहुंचे तो वे दोनों घोड़े घोड़े रखने के लिए जो एक बनाई गई थी बाड़, लंबी सी बाड़ थी, उससे कूद कर भाग निकले। सैनिकों ने भूरे रंग के घोड़े को तो पकड़ लिया, लेकिन जो गहरे भूरे रंग का घोड़ा था वो पकड़ में नहीं आया। करीब 2 साल बाद 1963 में उस घोड़े के मालिक ने देखा कि उसका घोड़ा घर लौट आया है।
वह घोड़ा करीब 2 साल तक एक देश से दूसरे देश की यात्रा करता रहा और अपने घर पहुंच गया, अपने मालिक के पास लौट आया। मंगोलिया में घोड़ों को लेकर ऐसी कई कहानियां वहां पे सुनी जाती हैं कि सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बेचे जाने के बाद भी कई घोड़े अपने घर अपने मालिक के पास लौट आए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और हाँ, इसे शेयर करना और लाइक करना मत भूलिएगा। आपने यदि अभी तक हमारा चैनल टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ देर मत कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।